नमस्कार दोस्तों, केवीएस में केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो भर्ती आपकी आ चुकी है 5 तारीख से, जिसमें आपके फॉर्म भरे जाने हैं। अलग अलग पद इस बार काफी जो है अलग अलग पदों का सृजन किया गया है, संख्या में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो जो पहली वीडियो मैंने आपको बनाई थी, जिसके बारे में कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या क्या योग्यता है किस पद के लिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें, तो उसी के संबंध में आपसे मैं चर्चा के लिए हाजिर हूं कि आखिर जितने इस बार पद देखने, 13,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल रही है। अपने आप में बहुत सारे पद हैं। पिछली बार पीजीटी आप देखिए, टीजीटी देखिए, पीआरटी देखिए, बहुत कम पद आए थे। इस बार अच्छे खासे पद आपको ये सभी उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो आपके पद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन के, ठीक है, और जेई की वैकेंसी है, साथ ही साथ आपके जेएस उसका एएसओ की वैकेंसी है, और 3 से 4 पद आपके और हैं, उनमें क्या क्या अर्हता है आइए बात करते हैं। तो प्रिंसिपल पद के लिए बात की जाए, ठीक है, इसके लिए अर्हता क्या होती है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम एज 50 साल मांगता है और मिनिमम एज 35 साल। ये 2018 की आपकी जो विज्ञप्ति आई थी उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें दो जो है मिनिमम 35 ईयर मांगता है प्रिंसिपल के लिए और मैक्सिमम आपका 50 साल। क्या रहती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पीजी 45% के साथ बीएड मांगता है, लेकिन इसमें अनुभव आपका मांगता है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में लेवल 12 का जो आपका पद होता है, इससे पहले वो कार्यरत रहा हो, ठीक है, और या फिर वाइस प्रिंसिपल 2 साल तक उसका अनुभव हो, या पीजीटी के तौर पर उसने 8 साल तौर पर कार्य किया है पीजीटी के पद पर, या टीजीटी के तौर पर उसका 15 साल का अनुभव हो, वो प्रिंसिपल पद के लिए आपका आवेदन कर सकता है। दूसरी बात इसमें की जाए वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो इसमें जो आपकी मिनिमम एज होती है 35 साल होती है और इसमें मैक्सिमम एज 45 साल होती है, प्रिंसिपल में 50 साल की है, और इसमें क्वालिफिकेशन पीजी 50% के साथ बीएड चाहिए, 2 साल का अनुभव आपका वाइस प्रिंसिपल का रहा हो कहीं भी आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, 2 साल किसी भी आपके स्कूल में कार्यरत रहे हो वाइस प्रिंसिपल के तौर पर आपका अनुभव हो, या फिर आप 6 साल पीजीटी के पद पर कहीं कार्यरत रहे हो, ठीक है, चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत, और या फिर आपका 10 साल का अनुभव टीजीटी को लेकर के रहा हो, या ठीक है इसमें भी देखा जाता है कि कुछ दिन आप पीजीटी के तौर पर कार्य किए हैं, टीजीटी के तौर पर फिर आप जो है पीजीटी के पद पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन न्यूनतम भी पीजीटी में 3 साल का अनुभव वहां पर मांग लिया जाता है। तो ये वाइस प्रिंसिपल के लिए आपके अर्हता है। अब बात करते हैं पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, बहुत अच्छे खासे पद देखने को मिल रहे हैं इस बार पीजीटी में भी और टीजीटी में भी, ठीक है। इसमें बात की जाए पीजीटी को लेकर के, तो अपर एज इसमें 40 साल की होती है, आप सभी को मालूम है। पीजी में 50% आपका मांगता है, बीएड या इक्विवेलेंट जो भी आपके पास डिग्री है पीजीटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्पेशल बीएड वालों को पिछली बार आपका मान्य नहीं किया था, जिनके पास केवल स्पेशल जो है बीएड है उनको अलाउ नहीं किया था, यह ध्यान रखिएगा। टीजीटी में बात करें तो मैक्सिमम एज 35 साल की होती है, ठीक है, ग्रेजुएशन 50% बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री जो है, और इसमें सीटेट सेकंड पेपर आपका क्वालिफाई चाहिए, इसमें आपका सीटेट और कुछ भी क्वालिफाई नहीं मांगता है पीजीटी में। टीजीटी में आपका सीटेट पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई होना ही होना चाहिए। अब इसमें बात की जाए, जैसे पीआरटी की बात की जाए, अपर एज इसमें 30 साल की होती है, ठीक है, क्वालिफिकेशंस में इसके इसमें क्वालिफिकेशन आपकी बहुत अलग अलग होती है। 12th आपका मांग लेता है सीनियर सेकेंडरी, या 2 ईयर उसके बाद आपका जो एलिमेंट्री डिप्लोमा होता है अगर आपने वो कर रखा है तो आप एलिजिबल होंगे, या फिर आप 50% 12th के साथ 4 ईयर का बीएलएड किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आप 50% 12th के साथ 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में कर रखे हैं तो आप एलिजिबल हैं, और या फिर आप ग्रेजुएशन में 50% रखी और बीएड रखी तो आप एलिजिबल हैं। तो ये वाली डिग्री तो लगभग लोगों के पास होती है, साथ ही साथ इसमें सीटेट पास होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। अब लाइब्रेरियन की बात की जाए, अपर एज इसमें 35 साल मांगता है, ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो लाइब्रेरी साइंस में आप हो या 1 ईयर का डिप्लोमा होता है आपका लाइब्रेरी साइंस में, वो आपके पास होना चाहिए, तो आप जो है लाइब्रेरियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपके अन्य पद हैं, उन पदों के बारे में आपको डिटेल में अगले वीडियो में दूंगा। ये आपके कुछ ऐसे पद रहे जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की, जिनके विषय में अर्हता और अन्य चीजें बताई। आपके कोई प्रश्न अभी भी रह गए हैं तो आप वीडियो में कमेंट करिए, ठीक है, इसके पाठ्यक्रम को लेकर के अन्य जो पद बनने हैं बचे हैं उनकी आपकी योग्यता और पाठ्यक्रम को लेकर के फिर आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। कोई भी समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं,
उसका जवाब आपको दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से या फिर आपको वहीं पर कमेंट के माध्यम से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ कोर्स वगैरह की डिटेल के लिए आगे आपको मैं जानकारी दूंगा कि किस भांति से कैसे क्या संचालन होगा और कौन कौन से आपके कोर्स के लिए जो है संस्था आपको क्या क्या उपलब्ध कराएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही कोई समस्या होती है कोई अन्य जानकारी के लिए तो वहां कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़िए, उसको अगले वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने हित मित्र नातेदार रिश्तेदार तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।